हे भगवान, हमारे घर में हमेशा खुशियों के भरमार रहे और इनका प्रमोशन हो जाए। अगर इनका इस साल प्रमोशन हो जाता है तो मैं आपके मंदिर में 100 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगी, वो भी देसी घी के। तेरा दिमाग खराब है क्या भगवान? कुछ भी बोलती है ये, कहाँ से लाएगी 100 किलो? तेरा बाप देके जाएगा पैसे? तुम ना तमीज से बोलो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम 100 किलो लड्डू भी नहीं चढ़ा सकते। देख रहे हो भगवान कितना कंजूस आदमी है। भगवान हम 5 किलो चढ़ा देंगे, 100 किलो तेरा दिमाग खराब। भगवान के घर में भी ना तुम ना कंजूसी मत छोड़ना। कितने पैसे कमा लिए लेकिन 11 रुपए से ज्यादा ना निकलते हैं तुम्हारी जेब से। अरे कभी तो थोड़ा दान कर दिया करो। तू अपना मुंह बंद कर, समझ गई? दान कर दिया करो। ओ, ये देखो, 5 मिनट में श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग बाबा तातिया बिच्छू। चलो ना, मुझे बाबा तातिया बिच्छू को अपना हाथ दिखाना है। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये कैसा नाम है तातिया बिच्छू? और मेरे को इन सब चीजों पे भरोसा नहीं है। तू घर चल, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चल। अरे तो तुम मत दिखाना ना, मुझे तो दिखाना है। चलो तुम। मैं नहीं जा रहा यार। तुम नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? तेरे को बोला ना, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वो महायोग, महायोग, बाबा महायोग हो सकता है। महायोग अगर आपके जीवन से एक महादोष निकल जाए तो। महादोष? हाँ बाबा, सही कह रहे हैं आप। 2 साल पहले मेरे जीवन में एक महादोष आया था। अच्छा, क्या हुआ था 2 साल पहले? हमारी शादी हुई थी बाबा। चुप करो तुम, हर बात पे मजाक। बाबा आप इनकी बात का बुरा मत मानो, ये तो मजाक ही करते रहते हैं। आप ही बताओ, महादोष का कोई उपाय तो होगा? बाबा देखो, ऐसा है, आप ना जो आपका उपाय है वो अगली बार बताना जब हम अगली बार मंदिर आएंगे ना। अभी मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। तू चल। बालिका, अब बस एक ही उपाय है इस महादोष का। तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ उपाय। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू अपना देख। बाबा आप नंबर दे। जी बाबा। हाँ बाबा। अच्छा बाबा, ओके बाबा। हेलो। अरे सुनो, एक बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे पास पेन है? हाँ। और पेपर, पेपर है तुम्हारे पास? नहीं, हमारे ऑफिस में पेन पेपर क्यों होगा? मैं तो वेल्डिंग की दुकान पे काम करता हूँ ना, जल्दी बता, मुझे वेल्डिंग करने जाना है। एक तो ना तुम सीरियस बातों पे मजाक मत करा करो। सुनो, पेन पेपर निकालो, मैं कुछ सामान बताती हूँ, उसकी लिस्ट बनाओ, शाम को लेते आना। अच्छा एक मिनट रुक। हाँ बोल। 1.5 किलो कपूर, 5 पैकेट फिट करी, 3 शीशे के बोल। एक मिनट, आराम आराम से। और एक चांदी की कटोरी। भैया आपके ये रहे सामान, और आपके हो गए 9,000 रुपए। सोना चांदी पैक कर दिया क्या 9,000 रुपए का? ये सोना चांदी ऐसे सामान हो गया ये। अच्छा ठीक है, एक काम करो, खाते में लिख लेना। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, हर वक्त घर गंदा रहता है, जब भी करो सफाई, इतना सारा कचरा निकलता है इस घर से। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नाश्ता बना रहा हूँ, खाएगी? तुमसे थोड़ा मजाक करवा लो। मैं ये कह रही हूँ कि रात को झाड़ू क्यों लगा रहे हो, तुम्हें पता नहीं अब शगुन होता है, लक्ष्मी जी चली जाती है। वहाँ जाके बैठ, तेरी ना ये ज्ञान की बातें मेरे को नहीं सुननी, समझ गई? भाई यहाँ से। यही अब शगुन होता है। एक बार उठाइयो। अरे ये क्या कर रही है पागल, मुझे क्यों उठा रही है? तुमने तो बोला उठाइयो। फोन उठा, मुझे नहीं। तो ऐसे बोलो ना। पागल यार, मेरे को उठाने लग गई बेवकूफ। अरे फोन बज रहा, उठा। ये क्या कर रही है तू? क्या करी क्या मतलब है? हैं, तुमने बोला ना फोन उठा, तो फोन उठा रखा है मैंने। अरे तू काट यार, अजीब आदमी है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे क्या चिल्लाए जा रहे हो मेरे पर, तुमने तो बोला काट। अरे तू मुझे काटने को नहीं बोला, ये फोन बज रहा है ना, तो इसको ऐसे काटने को बोला है मैंने तुझे, बेवकूफ कहीं की। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि फोन काट। पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं, फिर बोलते हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है।
यार ये डोज कॉइन का प्राइस फिर से नीचे गया, कल बेच देता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अरे सुनो, खाने में क्या खाना है? अरे मुझे नहीं खाना, खाना वाना वैसे ही नुकसान हो गया, इसे खाने की पड़ी है। नुकसान? देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि रात के टाइम झाड़ू मत लगाओ, तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी, अब हो गया ना नुकसान। ये नुकसान तेरा झाड़ू लगाने की वजह से नहीं हुआ है, वो तो मैंने डोज कॉइन में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, इस चक्कर में मुझे थोड़ा सा नुकसान होगा, वो मैं रिकवर कर लूंगा। डोज कॉइन? गवर्नमेंट ने नया सिक्का निकाला है क्या? देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, पिछली बार 10 का सिक्का आया था तो शर्माइन पूरे मोहल्ले में नाच रही थी, सबको चमका रही थी। अब की बारी सबसे पहले सिक्का मैं दिखाऊंगी सबको, तुम कल ही ले आओ 10-12 पीस तो ले आना। मुझे एक बात बता, सच सच बताइयो, तू कितने बजे तक स्कूल गई है? क्या मतलब? अरे डोज कॉइन कोई मामूली सिक्का नहीं है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, और ऐसी कई सारी क्रिप्टो करेंसी होती है जिसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे कॉइन DCX गो के थ्रू। अब तू पूछेगी कॉइन DCX गो क्या चीज है? कॉइन DCX गो जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी के लिए, जहां पे तुम कभी भी क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हो। जैसे मान ले क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कम हुआ तो खरीद लो, जैसे उसका प्राइस बढ़ा तो बेच दो, है मुनाफा ही मुनाफा। तो मैंने भी कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है कॉइन DCX गो के थ्रू, और ये ना बहुत ही ईजी है, इसे बस डाउनलोड करो, उसके बाद इसमें रजिस्टर करो और अपना बैंक अकाउंट लिंक करके इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। अच्छा, ऐसे मैं भी खरीद बेच सकती हूँ? अरे तू क्या, कोई भी कर सकता है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अरे पर इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे लगते होंगे ना? अरे नहीं यार, इसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो सिर्फ 100 रुपए है, और मिनिमम परचेज जो है वो सिर्फ 10 रुपए का है, यानी तुम 10 रुपए में किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे लेकिन ये सब सेफ भी है, अब मैंने ऐसे किसी ऐप पे पैसे लगा दिए, क्या प्रूफ है कल को ये मेरे पैसे लेके भाग गए तो? ये तेरा वो कमेटी नहीं है जो कोई लेकर भाग जाएगा, ये इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट ऐप में से एक है, जिसे बिटको और ISO दोनों ने सर्टिफाइड कर रखा है, कोई ऐसी वैसी ऐप नहीं है ये। और तो और, जैसे कि अब तुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो कॉइन DCX गो वालों ने अपना एक एजुकेशनल पोर्टल बना रखा है, जिसपे तुम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ जान सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी में कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, तो अब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है बहुत ही इजीली। अच्छा हाँ, ये जो तू पैसे अपने कमेटियों में लगाती है ना, और वो शर्मा हमारे 5 लाख रुपए लेकर भाग गया था, आज अगर हमारे पास 5 लाख रुपए होते, हमने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए होते, तो क्या पता 5 के 15 लाख रुपए बन गए होते। ए राम, 15 लाख रुपए? और नहीं तो क्या, 15 लाख रुपए में तो मैं सेक्टर 70 में एक बंगला बनाती। तू बंगला बाद में बनाई हो, पहले ना मटर पनीर की सब्जी बना दे, क्योंकि डोज कॉइन का प्राइस जो है ना वो फिर से बढ़ने लगा है। अच्छा सुनो ना, तुम मेरे 5,000 रुपए इस ऐप में लगा दो। अभी तेरे को समझाया ना, इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर और उसके बाद खुद इन्वेस्टमेंट कर। अरे थोड़ा आत्मनिर्भर बनना तू भी। चलो ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करनी है ऐप? हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड करो, जाओ इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्रिप्टो करेंसी खेलो, जाओ। ओके। सोरा, अरे सोरा, घर में आग लग गई। सोरा, आग लग गई घर में। ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो, कोई आग बाग नहीं लगी? मैंने कपूर जला रखा है। इतना कपूर क्यों जला रखा, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। तुम्हें पता भी है कपूर से ना जितनी नेगेटिव शक्तियां होती है ना, वो घर से दूर चली जाती है, इसलिए जला रखा है। और जो इस धुएं से मेरी सांसें मुझसे दूर जा रही है, उसका क्या करूं? तो थोड़ी देर बालकनी में जाके खड़े हो जाओ। देर से ना बात ही करना बेकार है। अरे कितना टाइम लगेगा तेरा ये धुआं खत्म होने में? लेट हो रहा हूँ यार मैं ऑफिस के लिए। अरे हाँ 5 मिनट लेट हो जाओगे तो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं मांग लेंगे पार्लियामेंट वाले, बड़े आए प्रधानमंत्री। सोरा मेरा लंच निकाल दे, मैं रेडी हो गया। अरे सुनो, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, तो रास्ते में कोई पीपल का पेड़ आएगा ना, उसके नीचे ही रख देना। ये क्या है? अरे ये आटे और चीनी का मिश्रण है। तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे क्यों रखना है? अरे घर में बहुत चींटियां हो गई हैं। अरे एक मिनट, घर में हमारी चींटियां हो गई हैं, तो ये पीपल के पेड़ के नीचे रखने से हमारे घर की चींटियां कैसे गायब हो जाएंगी? अरे तुम्हें कुछ पता भी है, ये दान होता है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या, तू पागल है? हा?
ये पेड़ के नीचे रखने से ये चींटियां हमारे घर की कैसे गायब हो जाएंगी, बेवकूफ कहीं की। ऐसा है, तुम ना मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, तुम्हें जो काम बोला है या तो कर दो या तो मुझे बता दो, जब नहीं कर सकते तो। वैसे भी तुम मेरी बोली हुई कोई बात करते तो होनी, नौकरानी बना के रखा हुआ तुमने मुझे इस घर में। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा ठीक है, चुप हो जा, रख दूंगा ड्रामे बाज कहीं की। जा मेरा लंच लेकर आ। ओ लंच, अरे मैं तो भूल ही गई। क्या है ना, सुबह से मैं इतनी बिजी हो गई थी, कपूर जलाया ये सब, तो मैं भूल गई लंच। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत मोटे हो रहे हो, आज तुम लंच मत करना। और सुनो, किसी और के घर का खाना मत खाना, मैं नहीं चाहती किसी दूसरे के घर का ये नेगेटिव वेगेटिव सब हमारे घर में आ जाए। सोनू, सोनू जी। सर बाबू जरा ये आटा पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइयो जल्दी। सर आपके घर भी चींटियां हो गई क्या? हाँ मेरे घर भी चींटियां लग गई, तो तुझे जितना बोला उतना कर, जा इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ। सर ये तो दान पुण्य का सामान है, आप खुद कीजिए। और हाँ, मेरी बीवी ने साफ साफ बोला किसी के घर का ऐसा वैसा सामान इधर उधर नहीं रखना, क्या पता आपके घर का दोस्त मेरे घर को लग जाए। ठीक है तो एक काम कर, अब आउटर ले और कमरे से बाहर निकल जा, चल। लगता है ये मुझे ही बाहर रख के आना पड़ेगा। चलो भाई। अरे वो शर्मा की फाइल दे। कहाँ? अरे ये आटा पीपल के पेड़ के नीचे रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी ना पागल हो गई है, उसे लगता है कि ये आटा अगर मैं पीपल के पेड़ के नीचे रख दूंगा तो हमारे घर में चींटियां नहीं आएंगी। यार ये अंधविश्वास, यार तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मैंग भाई। ये दोष वोष अंधविश्वास ये सब विचारों का वहम होता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। अब मुझे देख, मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूँ? क्योंकि मैं हर सिचुएशन में खुश रहता हूँ। जितना ज्यादा खुश रहोगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, समझा? तो ये सेम बात मेरी बीवी के आगे कर सकता है, क्योंकि वो मेरी बात तो सुनती नहीं है, क्या पता तेरी बात सुन ले। अरे यार कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल समझा दूंगा भाभी जी को। अरे दीदी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अरे मुझे खुद ही कहाँ पता था कि कैसी कैसी नेगेटिव शक्तियाँ घूमती हैं घर में। वो तो भला हो बाबा जी का जिन्होंने मुझे ज्ञान की राह दिखा दी, वरना मैं अज्ञानी क्या ही जानू इन बातों को। बाबा जी तो ज्ञान का भंडार है, भंडार है। दीदी बाबा जी का नंबर मुझे भी दे देना, और जो लिस्ट दी थी ना आपको वो भी मुझे दे देना। हाँ भाभी जी वो तो मैं दे दूंगा आपको, इनफैक्ट मैं इसे बता दूंगा, सिर्फ 9,000 का सामान है, मैं एड्रेस दे दूंगा, वहां से जाके ले लियो। क्या 9,000? हाँ बस 9,000। भाभी जी ये किन बाबाओं के चक्कर में आप पड़ गई हैं, ये सब कहने वाली बातें होती हैं। इंसान को सिर्फ जिंदगी में पॉजिटिव। अरे चुप करो तुम, जब देखो पॉजिटिव नेगेटिव लगाए रखते हो। अरे दीदी कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी इंसान से नहीं किसी गाय से करा दी हो, गाय से। जब देखो ये 2 साल से प्रमोशन रुका हुआ है इसका, भाई साहब से ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज तक उनका जूनियर है। बता जूनियर से सीनियर बनना है तुझे, या फिर जिंदगी भर लोगों के पीछे दुम हिलाता हुआ फिरेगा? भाई सही नहीं किया तूने, बी पॉजिटिव। क्या हो गया? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, आधा घंटा हो गया धूप में खड़े खड़े। अरे तो आधे घंटे से धूप में खड़ी क्यों है तू? तुम वो सब छोड़ो, तुम एक काम करो अंदर से ना गद्दी लेकर आओ। ओहो और गद्दी क्यों चाहिए अब? अरे जितना बोला है उतना करो, जाओ। ये औरत ना पागल हो गई है। हे भगवान तो गर्मी, अरे जल्दी करो ना। अरे आ गया आ गया आ गया, ये ले ये ले। ऐसा करो इसको मेरी तरफ फेंको।
है? अरे मुझे कैच कराओ। थैंक्स। हाय राम, कितनी गर्मी है बाहर तुम्हें पता है? हैं? आधे घंटे से मैं तुम्हें आवाज लगा रही थी, कान में डटक लगा के बैठे रहते हो। तू मुझे एक बात बता पहले, आधे घंटे से धूप में तू कर क्या रही है? अरे मैं तो तुलसी जी को जल देने गई थी, फिर वो काली बिल्ली आई और मेरा रास्ता काट गई। काली बिल्ली? तो अरे तो मैं क्रॉस थोड़ी कर सकती थी, अपशगुन होता है। अबे अपने दिमाग का इलाज करा तू। अरे तो मुझे ये इलाज ना इलाज मत बताओ, एक बात बताओ हैं, इतनी देर हो गई क्या ये कुर्ता पजामा पहन के बैठे हुए हो? जाओ जाके ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो ना तुम्हें? अब संडे को भी ऑफिस जाना शुरू कर दूं मैं? संडे? हाँ? आज संडे है? और तो हे राम हे भगवान, घोर अपशगुन हो गया। इतवार के दिन तुलसी जी को पानी दे दिया। मुझे पता था इस घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर है। हे भगवान, अब मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा करती हूँ, बाबा को फोन मिलाती हूँ। सुनो, हम कल ही उपाय करवाएंगे, ठीक है? मैं तुम्हें सामग्री की लिस्ट बताती हूँ, तुम जाकर मार्केट से लेकर आओ और कल ऑफिस की छुट्टी ले लेना। हाय राम हे भगवान, क्या होगा हमारा? ऐसे ही अगर ऑफिस से छुट्टी लेता रहा ना तो सच में ही बर्बाद हो जाऊंगा एक दिन में तो। हम जो उपाय करने जा रहे हैं इससे आपके घर में शांति होगी, इससे आपके घर की सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी और आपके कारोबार में उन्नति आएगी। अरे बाबा तुम ये जल्दी करो उपाय, अगर नौकरी चली गई ना तो कहीं से उन्नति नहीं आएगी। अरे तुम कभी मुंह पे ताला भी लगा दिया करो। बाबा ये काली बिल्ली का बाल तो नहीं मिला, ये काले कुत्ते का बाल मिला है, चलेगा? चला लो बाबा, बहुत मेहनत और दर्द हुआ है इस बाल के चक्कर में। अरे कोई बात नहीं, दौड़ेगा। अब आप दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करिए और हम उपाय का आरंभ करते हैं। आंखें क्यों बंद करनी है? बंद कर आंखें। बाबा तुम हो कि मैं? बाबा ये हेलमेट क्यों पहन रहे हो? ये धुएं से टकरा के मर थोड़ी जाओगे। अब ये पूजा आपके लिए है, इसकी ऊर्जा तुम्हें चाहिए। अगर ये ऊर्जा मुझे मिल गई तो तुम्हारा जो शक्ति है वो तो बढ़ जाएगा ना। लॉजिक। और तुमने आंखें कैसे खोली? आंखें बंद कर। ओम ह्रीं श्रीं ब्रीं सर्वलिंग भूत भविष्य बदलिंग सिंह स्किंग स्वाहा। ह्रीं श्रीं ब्रीं सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग सिंह स्किंग स्वाहा। ह्रीं श्रीं ब्रीं सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग सिंह स्किंग स्वाहा। ह्रीं श्रीं ब्रीं सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग सिंह। हे भगवान ये सब क्या हो गया? अरे पूरा बर्बाद करके चला गया। ए उठ, ये देख ये सब क्या हो गया यार। अरे राम चप्पल उल्टी पड़ी है, सत्यानाश। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या पागल कहीं की? चप्पल उल्टी पड़ी है, तुझे चप्पल की पड़ी है? पूरा घर देख खाली करके चला गया वो तेरा ढोंगी बाबा। अरे हाय घर खाली कर गया चोर कहीं का। हाँ तो मेरा क्या बाबा था, मुझे क्या पता था मेरा भी तो सामान खाली हुआ है। ये सब तेरी वजह से हुआ समझ गई है? कुत्ते का बाल लाना, बिल्ली का बाल लाना, ये देख तेरे चक्कर में 14-14 इंजेक्शन लग गए मुझे। ऐसा है ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा है, तुम्हारे हाथ पे लिखा हुआ था महादोष। मेरे लिए ना आज के बाद कुछ मत करियो तुम, समझ गई? हां नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, कसम खा लेती हूं। अब ले हो गया, कट गया महाकलेश, हो गया महादोष खत्म, पूरा घर साफ करके चला गया यार। हे राम तुझे कीड़े पड़े तांतिया बिच्छू बाबा। हे गाइस, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताओ ना बेस्ट पार्ट, और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ और डाउनलोड करो पॉइंट डीसीएक्स गो ऐप अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो बिना किसी ट्रांजेक्शन फीस के। और अगर आप अभी डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो Mayank100 तो आपको मिलेंगे 100 रुपए के
फ्री बिटकॉइन जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर मैं कॉमेडी वीडियोस डालता रहता हूँ छोटी छोटी। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वो लाल कलर का बटन दबाओ, उसके साथ वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।